गाजीपुर से सुभाष कुमार, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। एसपीएस इंग्लिश स्कूल महेंद्रा केसीबीएसई बोर्ड से 10वीं के रिजल्ट में प्रतीक्षा कुमारी ने 92% अंक प्राप्त करके स्कूल किया टॉप। खबर गाजीपुर जिले से भेजो। आज मर्दा क्षेत्र में स्थित एसपीएस इंग्लिश स्कूल महेंद्रा का सीबीएसई 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, जिसमें प्रतीक्षा कुमारी 92%, आदित्य बरनवाल 92% अंक प्राप्त कर विद्यालय एवं जनपद को गौरवान्वित किया, जिससे विद्यालय परिवार व छात्रों का परिवार अत्यंत प्रसन्नचित दिखे। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक ज्योत सिंह चौहान ने कहा कि बच्चों द्वारा उनकी मेहनत और लगन के चलते जिले में विद्यालय व माता पिता का नाम ऊंचा हुआ, जिसमें उन्होंने छात्रों का धन्यवाद प्रकट किया। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार चौहान ने बच्चों की कड़ी मेहनत के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया और अध्यापकों को इस अच्छे परिणाम के लिए बधाई देते हुए विद्यालय सहित बच्चों को धन्यवाद प्रकट किया। इस मौके पर विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक राधेश्याम चौहान, रोशन राजभर ने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं प्रदान किए। इस मौके पर सभी अध्यापक महोदय व विद्यालय के समस्त कर्मचारी ने अत्यंत प्रसन्नता जाहिर करते हुए इस परीक्षा परिणाम पर शिक्षकों की मेहनत व विद्यालय प्रशासन के योगदान को सराहा व विद्यालय परिवार व अभिभावकों को धन्यवाद दिया। मैं एसपीएस इंग्लिश स्कूल का चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार चौहान, जो कार्यक्रम आज किया गया है ये क्लास 10th और 12th का जो सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट आया है हाई स्कूल और इंटर का, उसी के तहत बच्चों का सम्मान समारोह का आज आयोजित किया गया है स्कूल में। जो क्लास 10th है हमारा, वो जो टॉपर बच्ची थी वो प्रतीक्षा कुमारी, जिन्होंने 92.2% गेन किया, और जो सेकंड पोजीशन था आदित्य बरनवाल, जिन्होंने 90.2% गेन किया। कितने बच्चों से टॉप 10 में मैंने लिस्ट बनाई थी और टॉप 10 तक बच्चों को कराया गया था। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे मार्क्स थे उनके, अब उनकी लिस्ट नहीं उसमें निकाली गई, टॉप 10 निकाली गई। उसके बाद 12th में टॉप 3 बच्चों का नॉमिनेशन था। सर देखा जाए कि जी, गार्जियन महोदय को मैं यही बोलूँगा कि बच्चों के अंदर जो टैलेंट होता है उसको एक गुरु, एक टीचर ही उसमें से निकाल सकता है, और खुद बच्चों को इतना मेहनत करना पड़ेगा ताकि वो, अगर इतनी बड़ी क्राउड है और क्राउड में बच्चे को अगर अच्छे पोजीशन तक पहुंचना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मेहनत शहरी क्षेत्र में ही होता है, टीचर सुनकर वही पढ़ाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसे स्कूल हैं जो कि बच्चों को काफ़ी अच्छी शिक्षा देते हैं, और उसी में मेरा इस क्षेत्र का स्कूल एसपीएस इंग्लिश स्कूल बच्चों को आज लगातार 90% से ऊपर क्लास कई सालों से दे रहा है, जो काफ़ी स्कूल के लिए एक बेनिफिट है। माई नेम इज सूर्यांशु प्रताप, आई लिव इन मर्दा एंड आई एम क्लास 12th पास आउट। क्लास 12th इंटरमीडिएट में हमारा था 75%, 375 नंबर आना है। ये मैं श्रेय जाना चाहता हूँ अपने कोचिंग टीचर्स और फिजिक्स के टीचर मिस्टर राजवंश सर को, और विद्यालय विभाग को भी जाना चाहता हूँ और माता पिता को धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने विद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और आगे भी कड़ी मेहनत करेंगे। सर हमारा सपना है, हमने अभी जेई का एग्जाम दिया था, हमने मेंस क्वालिफाई हो गया है और मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ, और इंजीनियर मेरा सपना है। माय नेम इज प्रांशु कुमार फ्रॉम क्लास 10। आपके विद्यालय में हमारा क्लास 10th में 75% है, 75.2% पेरेंट्स का है, और उसके साथ साथ हमारे मामा लोग भी काफी मोबाइल के हैं और टीचर्स का बहुत बड़ा एग्जाम रहा है इसमें। बाकी बच्चे यही बोलेंगे जो लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए, जैसे क्लास 6 से क्लास 9 तक नहीं पढ़ पाते हैं,
इंजॉय करने लगते हैं। तो जो लोग नहीं कर पाए अपने आप को भरोसा रखें और तैयारी करें, डेली स्कूल आए। सो माय नेम इज निधि चौहान, आई एम 12th पास आउट। सो 73.8%। सर बहुत अच्छा लगा जो ये चेयरमैन सर है हमारे लिए इतना कुछ किया, हमको बहुत अच्छा लगा। सर बाकी बच्चों के लिए यही कहना चाहेंगे कि जो 12th एग्जाम है वो 10th से बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इसलिए 12th में बहुत ज्यादा उनको मेहनत करनी चाहिए, तभी उनका 90+ आ सकता है। सर जो गार्जियंस होते हैं वो सही में गार्जियंस के वजह से हम लोग जो पहला श्रेय होता है हम लोग के गार्जियंस का होता है, उसके बाद हम लोग के टीचर्स का होता है, क्योंकि गार्जियंस के बिना हम लोग इस स्कूल में पढ़ ही नहीं सकते। मेरा नाम शिखा चौहान है और मेरे पिताजी का नाम श्री अमरजीत चौहान और माता जी का नाम श्रीमती मीना देवी और मैं स्पेस स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा 83.4% आया। मैं ये श्रेय अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहूंगी जो इतने अच्छे से हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारी मेहनत की वजह से आया है और जो टीचर्स मेहनत किए हैं उसकी वजह से आया है। बाकी बच्चे वो कंटिन्यू पढ़े, हमसे भी अच्छा पढ़े और अच्छा मार्क्स लाएं, रेगुलर पढ़ना चाहिए। माय नेम इज अंकिता सिंह फ्रॉम क्लास 10th पास आउट। कितना मार्क्स लाए? आई गॉट 81%। मैं अपने माता पिता को टीचर्स को श्रेय देना चाहूंगी। बाकी बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि आप लोग मेहनत कीजिए और मुझसे अच्छा नंबर और 80% लाइए। पढ़ाई तो कहीं भी की जा सकती है पर आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। आप तो चाहें घर पर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, आप स्कूल में भी, पर जब आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप कहीं भी पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरा तो इंटरेस्ट था पढ़ाई में और मैं भी घर से पढ़ाई की हूँ। वैसे तो स्कूल में आती थी एग्जाम देने, पर आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं, मैं यही कहूँगी। माय नेम इज अंकिता सिंह फ्रॉम क्लास 10th पास आउट। कितना मार्क्स लाए? आई गॉट 81%। मैं अपने माता पिता को टीचर्स को श्रेय देना चाहूंगी। बाकी बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि आप लोग मेहनत कीजिए और मुझसे अच्छा नंबर और 80% लाइए। पढ़ाई तो कहीं भी की जा सकती है पर आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। आप तो चाहें घर पर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, आप स्कूल में भी, पर जब आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप कहीं भी पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरा तो इंटरेस्ट था पढ़ाई में और मैं भी घर से पढ़ाई की हूँ। वैसे तो स्कूल में आती थी एग्जाम देने, पर आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं, मैं यही कहूँगी। सर मेरा नाम प्रतीक्षा कुमारी है, मेरे माता पिता का नाम वकेशन नाथ है और सुनता देवी है। मैं क्लास 10th पास आउट हूँ, मैं मर्दा में रहती हूँ और मैं मतलब आगे चल के आगे तैयारी करना चाहती हूँ। अच्छा तो नहीं लग रहा है पर ठीक ठाक ही है। माता पिता को और टीचर्स को यही कहेंगे कि अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से पढ़ें, हमसे दोगुनी मेहनत करें। 95+ है और क्या